अगर आप इस टाइम पर बड़े से बड़े ऑलमोस्ट हाईटेक शहर पर भी नजर डालिए तो आप यही पाएंगे कि हल्की सी बारिश से भी पूरा शहर पानी में डूब जाता है। लेकिन आज से हजारों साल पहले, जब आज जैसे इंजीनियर्स भी नहीं हुआ करते थे और वहीं दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस अपने फैरोस को पूजने में लगी हुई थी, तब एक ऐसी सिविलाइजेशन भी थी जिसने न सिर्फ 5000 साल पहले हद से ज्यादा एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम बना दिए थे, बल्कि उस टाइम पर ही वो डबल स्टोरी के पक्के घर, पब्लिक बाथरूम और स्विमिंग पूल तक बना चुके थे। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन के शहरों की प्लानिंग भी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि ये आज के कई अर्बन सिटीज के प्लान तक को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ, मैं असल में बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये सिविलाइजेशन न सिर्फ अपने वक्त के हिसाब से कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड थी, बल्कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें बोली जाने वाली लैंग्वेज तक को आज तक कोई भी रिसर्चर ना तो डिकोड कर पाया और ना ही समझ पाया। तो आखिरकार क्या था असली सच इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका रहस्य आज तक किसी को भी पता नहीं लगा? और तो और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो कि इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज, वो आखिरकार अचानक से गायब कैसे हो गई? माना यह जाता है कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस रिवर के पास, जिसे आज मॉडर्न डे में इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन भी बोला जाता है, यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज और वेल स्टैब्लिश होने के बावजूद भी ये सिविलाइजेशन काफी ज्यादा पीसफुल थी, क्योंकि साइंटिस्ट के रिसर्च करने के बाद भी ना तो यहाँ से कोई वेपन मिला और ना ही कोई भी ऐसा ट्रेस मिला जिससे ये पुष्टि हो सके कि इस सिविलाइजेशन के पास कोई आर्मी तक थी। और तो और काफी डिस्कवरीज और बिल्डिंग के रिमेन्स पर रिसर्च के बाद भी ना तो यहाँ से ऐसा ट्रेस मिला जिससे ये कहा जा सके कि इस सिविलाइजेशन के लोगों के बीच कभी कोई जंग भी हुई थी। लेकिन फिर भी ये सिविलाइजेशन अचानक से एक दिन ऐसे गायब हो गई कि मानो पूरे इतिहास से इस सिविलाइजेशन का नाम पूरी तरह मिट चुका था। इसी वजह से किसी को ये तक नहीं पता था कि इस जैसी कोई सिविलाइजेशन दुनिया में एग्जिस्ट भी करती थी। लेकिन 1800 के पीरियड में ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में रेलवे लाइन बिछाने का फैसला करता है। इसीलिए साल 1856 में लाहौर और कराची जैसे शहर, जो कि उस टाइम पर इंडिया का ही पार्ट थे, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए काम शुरू किया जाता है। और इसी कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान कुछ लेबर्स फील्ड में भट्टी में पकी हुई पुरानी ईटे ढूंढ निकालते हैं, जिसे वो अनजाने में रेलवे ट्रैक बिछाने में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन शायद ही उन कंस्ट्रक्शन लेबर को ये पता था कि जिन ईटों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में 5000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक शहर हरप्पा के रूम्स की हैं। लेकिन इस चीज का पता तब जाकर लगता है जब 1900 के पीरियड में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम पर ASI के डायरेक्टर जनरल थे, वो उसी एरिया के आसपास कई एक्सकवेशंस अंजाम देते हैं और वहां से इस एंशिएंट सिविलाइजेशन में इस्तेमाल हुई सील्स, ब्रिक्स और तो और पूरे शहर के अवशेषों की खोज करते हैं और फाइनली जाकर ये कंक्लूड करते हैं कि जिस जगह की उन्होंने खोज करी है उसके ओरिजिन असल में इंडिया से नहीं है, बल्कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर हरप्पा के रूइंस है। वहीं इस इंडस रिवर के थोड़ा साउथ साइड सिंध प्रोविंस के पास इसी तरह के कई और अवशेष मिलते हैं, जिसके ऊपर सर्वे करने के लिए जॉन मार्शल, RD बैनर्जी और DR भंडारकर जैसे दूसरे ASI ऑफिसर को वहां भेजते हैं ताकि वो इस साइट का अच्छे से जायजा ले सके। और उस जगह की डिस्कवरी के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक दूसरा शहर मोहनजोदड़ो खोज निकाला है, जिसके बाद जॉन मार्शल दोनों साइट में मिले स्क्रिप्ट, सील्स और दूसरे आर्टिफैक्ट को एक ही लोकेशन पर इकट्ठा करवाते हैं ताकि उन पर डिटेल रिसर्च और डिस्कशन किया जा सके। इस डिस्कवरी के बाद सारे आर्कियोलॉजिस्ट एक मीटिंग करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी डिस्कवरीज और रिसर्च इन एक्सकेवेशन के दौरान उन्होंने करी है, जहाँ पर ये पाया जाता है कि जिन शहर के अवशेष उन लोगों ने खोज निकाले थे वो हद से ज्यादा वेल प्लान्ड थे, जिसमें से हरप्पा सिटी में पूरा शहर ग्रिड लाइक स्ट्रीट लेआउट में प्लान किया गया था, जिसके लिए रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज तक को अलग अलग एरिया में सेटल किया गया था। और वहीं मोहनजोदड़ो सिटी को, जिसमें एक सीटाडेल या फिर एक काफी ऊंचा कासल लाइक स्ट्रक्चर पूरे शहर के एकदम बीच में बनाया गया था, और ये सीटाडेल असल में एक पब्लिक बिल्डिंग थी जिसे पॉलिटिकल और रिलीजियस चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मोहनजोदड़ो के स्ट्रक्चर के ऊंचाई पर होने की वजह स्टेटस सिंबल थी,
जो इस हिस्से को शहर के दूसरे हिस्सों से अलग बनाता था। इसलिए शहर के ऊपर के हिस्सों में एलीट क्लास लोग रहा करते थे और वहीं नीचे के हिस्सों में लोअर क्लास लोग। इसके अलावा आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरह ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास भी पब्लिक पूल्स हुआ करते थे, वो भी 5000 साल पहले। ये एंशियंट पब्लिक पूल्स, जिन्हें ग्रेट बाथ भी कहा जाता था, और इन पूल्स को बनाने के लिए यही ब्रिक्स और बिटुमिन की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता था ताकि ये ग्रेट बाथ वाटर टाइट रहे। इसके अलावा इस इंडस सिविलाइजेशन के लोग इन ग्रेट बाथ को सिर्फ स्विमिंग के ही लिए नहीं बल्कि रिलीजन प्रैक्टिसेस के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। और तो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंशियंट आर्किटेक्ट्स ने इन शहर को प्लान करने के दौरान सिटी की सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम पर भी काफी ध्यान दिया था, क्योंकि भले ही आज की मॉडर्न सिटीज में आपको वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज की समस्या देखने को मिल जाए, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स ने पूरे शहर के एक एक हिस्सों को अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम से वेल कनेक्ट किया था। और ये ड्रेनेज चैनल्स और नालियों रोड के दोनों साइड पर बनाया गया था, जिनको रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्ट और क्लीन भी किया जाता था। इसके अलावा शहर की वाटर सप्लाई को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंजीनियर्स ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर स्टोरेज टैंक का भी इस्तेमाल करना 5000 साल पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस सिविलाइजेशन ने फ्लश वाले टॉयलेट्स, डैम्स, स्टेडियम, साइन बोर्ड बटन्स, डेंटिस्ट्री जैसी मॉडर्न एमिनिटीज का इस्तेमाल उस टाइम पर करना ही शुरू कर दिया था जिस टाइम पर दूसरी सिविलाइजेशन सिर्फ जंग लड़ने में ही लगी थी। इन्हीं डिस्कवरीज के दौरान ही आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सी और स्क्रिप्ट्स इस सिविलाइजेशन से खोज निकाली थी उस पर काफी ज्यादा रिसर्च करी गई, जिसपे उन्होंने ये पाया कि हर एक सील पर अलग अलग तरह के सिंबल बने हुए थे, जिसमें हर एक सिंबल अलग साउंड को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी आज तक ना तो कोई आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले इन स्क्रिप्ट को डिकोड कर पाया था, क्योंकि इन एक्सकवेशन के दौरान कभी भी रिसर्चर्स को इस लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए कोई की नहीं मिली, जैसा कि एंशियंट सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए उन्हें रोजेटा स्टोन मिला था। रोजेटा स्टोन असल में एक तरह का ऐसा पत्थर था जिसमें एंशियंट इजिप्शियन लिटरेचर को एंशियंट ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया था, और क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज को सभी लोग पहले से ही जानते थे इसीलिए ही एंशियंट इजिप्शियन की लैंग्वेज डिकोड हो पाई थी। लेकिन हाँ, इन रिसर्चर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन स्क्रिप्ट पर रिसर्च के बाद ये जरूर पता लगा लिया था कि इस इंडस वैली एंशियंट लैंग्वेज में 400 के करीब स्क्रिप्ट या अल्फाबेट हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनका मतलब क्या था ये आज तक पता नहीं लग पाया। जिसके बाद जो अगला और सबसे बड़ा सवाल उठता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर, कि अगर ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस, सिविलाइज्ड और वेल प्लान्ड थी और तो और कभी भी इनके बीच कोई जंग नहीं हुई थी, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जिसमें 5 मिलियन के करीब लोग रहा करते थे, वो अचानक से गायब कैसे हो गई थी? क्या उनको जमीन खा गई थी या आसमान से एलियंस उनको आकर ले गए थे? इसी मिस्ट्री को लेकर एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी है जिसपे काफी ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के गायब होने के पीछे की वजह असल में एक एटॉमिक वॉर थी। वेल, ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि इंटरनेट पर मौजूद काफी आर्टिकल ऐसा जरूर कहते हैं, क्योंकि इन एक्सकेवेशन के दौरान जो स्केलेटन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे, जब उन पर रिसर्च करी गई तो ये स्केलेटन पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी पाई गई थी, जो कि हूबहू एटॉमिक बॉम्ब से मिलने वाली रेडिएशन थी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हिस्टोरियंस और यहाँ तक साइंटिस्ट भी ये नहीं मानते कि इन स्केलेटन पर रेडिएशन होना ये पुष्टि करता है कि हजारों साल पहले एंशियंट टाइम में आज की मॉडर्न वेपन और एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ होगा। बल्कि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से गायब नहीं हुई थी, बल्कि क्लाइमेट चेंज यानी रेन पैटर्न में चेंजेस की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया था, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही सरस्वती रिवर सूख गई थी। और क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थे, इसीलिए रिवर के सूख जाने की वजह से वहाँ के लोग अलग अलग जगहों पर माइग्रेट कर गए थे, और जो लोग वहीं रुक गए इसी वजह से वो वहां पर मारे गए, जिसकी वजह से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़े बहुत ही स्केलेटन मिले थे, बल्कि इस सभ्यता की पॉपुलेशन 5 मिलियन के करीब थी, जो कि काफी ज्यादा लॉजिकल रीजन लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने का। तो आपके हिसाब से क्या थी असली वजह इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोलैप्स करने की? अपनी राय
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।